बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम आपका आईएएस का टॉपिक जो है उसको डिस्कस करने लगे हैं। उनवान है आपका तौहीद का तारुफ। तौहीद क्या होता है जी, किसे कहते हैं तौहीद? ये देखिए ज़रा सेंटर में हमने लिखा है तौहीद का तारुफ और उसके इर्द गिर्द हमने कुछ जो हैं वो हेडिंग्स दी हैं कि ये किसके ऊपर ये जो हेडिंग्स दी गई हैं और जो सेंटर में लिखा गया है ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि तौहीद जो है वो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है, उसकी बुनियाद जो है वो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर है। ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आज। पहला है आपका अकीदे का मतलब। तौहीद की जो शुरुआत होती है वो होती है अकीदे से। बेटा अकीदा किसे कहते हैं भला? अकीदे का मतलब होता है वो नज़रिया, वो आपका बिलीफ किस चीज़ के ऊपर है। हमारा बिलीफ किस चीज़ के ऊपर है, क्या है हमारा पुख्ता, और वो नज़रिया अकीदा। फिर इसमें नज़रिए में और अकीदे में फ़र्क भी है। नज़रिया जो है वो वक्त के साथ चेंज हो सकता है आपका, ठीक है। अगर दुनियावी लिहाज से हम बात करें तो किसी भी चीज़ के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जब हम ईमानियात की इबादात की बात करते हैं, तौहीद की बात करते हैं, तो फिर उसमें बेटा आपके पास ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अकीदे का मतलब है कि आपने जो एक आपका अल्लाह पाक के बारे में या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपका नज़रिया है, जो बिलीव है, वो आपका पुख्ता होना चाहिए। इतना पुख्ता होना चाहिए कि आपकी गर्दन कट जाए बट आपका जो है आपके अंदर से आपका नज़रिया, आपका अकीदा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इस कदर ये पुख्ता होना चाहिए। जब तक ये पुख्तगी नहीं आएगी, जब तक इतना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीव नहीं होगा, तब तक वो आपका अकीदा तौहीद जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अकीदे में तब्दीली की या लचक की कोई गुंजाइश नहीं होती, बींग मुस्लिम बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट है जी आपका तौहीद का मानी मफहूम, कि तौहीद है क्या बेसिकली। ये तो पहले तो हमने बात किया ना कि अकीदे की अकीदा क्या होता है। अकीदा होता है ख्याल या आपका नज़रिया जिसमें बिल्कुल भी लचक ना हो, जिसमें तब्दीली की गुंजाइश ना हो, वो अकीदा होगा, अकीदा कहलाएगा। तौहीद का मानी मफहूम, तौहीद क्या है जी? बेटा इसके लफ्ज़ी मानी है एक मानना, मानना या यकीन करना। और जब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मजहबी लिहाज से बात करते हैं, तो तौहीद का मतलब है कि हमारा इस बात पे यकीन है, पुख्ता ईमान है कि अल्लाह ताला एक हैं, अल्लाह पाक बेनियाज हैं, अल्लाह अजमत वाला है और बुजुर्गी वाला है। ये है आपका तौहीद का लफ्ज़ी मानी। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? आप सब माशाल्लाह से मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं ना सारे बच्चे, तो हमारा ईमान इसी चीज़ पे है ना कि अल्लाह के सिवा हमें पैदा करने वाला, पालने वाला, दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है। और ये तो हो गया बेटा हमारा तौहीद का मानी, कि लफ्ज़ी मानी क्या है, इसका मफहूम क्या है, कि एक मानना, यकीन रखना अल्लाह पाक की ज़ात पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अल्लाह ताला खालिक व मालिक हैं। अल्लाह पाक के सिवा कोई है ऐसा, किसी में इतनी ताकत है कि वो दुनिया को बना सके, उसका निज़ाम चला सके या कोई चीज़ पैदा कर सके? पक्की बात है? आपका दिल इस बात की गवाही देता है? शाबाश, वेरी गुड। यही होता है अकीदा। बेटा देखें, हम मुसलमान फैमिली में पैदा होते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स को जो करते हुए देखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो सारे इस्लाम के अकॉर्डिंग हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको रखें। तो यही चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी नेक्स्ट जनरेशन में खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाती है। जैसे अभी आपने जितने जोशो खरोश से मुझे जवाब दिया कि आपका यकीन है कि अल्लाह पाक के सिवा कोई ताकत नहीं है जो इस दुनिया का निज़ाम चला सके, ऐसा ही है ना? ये सब कुछ किस वजह से होता है? क्योंकि आप लोग बहुत छोटी एज से जो कुछ देखना शुरू करते हो, अपने घरों के माहौल आपका जिस किस्म का होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके ख्यालात, वो नज़रियात बनना शुरू होते हैं और वही जो है वो आपका अकीदा बन जाता है, अकीदे की सूरत इख्तियार कर लेता है। और अकीदे में जैसा मैंने पहले बताया कि लचक या तब्दीली की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला खालिक व मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह पाक है ना। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह के सिवा कोई और तख्लीक कर सके। ओके, नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट लिखा गया बेटा वो है अल्लाह की नेमतें। नेमतें क्या होती हैं? नेमतों के अंदर कौन कौन सी जी, हैंड्स अप कीजिए। शाबाश, नेमत क्या होती है ऐसा ना बताएंगे?
ठीक है, मतलब जो भी अल्लाह पाक ने, बैठ जाइए, अल्लाह पाक ने जितनी भी दुनिया में चीज़ें पैदा कर दी हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारी सहूलत के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए, जितनी भी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब कुछ क्या है, नेमत है, नेमतें हैं अल्लाह पाक की दी हुई, इंसान के ऊपर एहसान है अल्लाह पाक की ज़ात का, क्योंकि अल्लाह के सिवा ना तो कोई इन्हें पैदा कर सकता है ना इन्हें ख़त्म कर सकता है, यही यकीन है ना हमारा, और यही अकीदा है, यकीन ही अकीदा होता है ना इंसान का, ठीक है। अल्लाह की नेमतें जो हैं उनमें हम और कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, कुछ तो सना ने बता दी, हवा, पानी, रोशनी हो गया, और श्याम आप बताइए और क्या हो सकता है बेटा इसमें, बेटा स्टैंड अप जी जी, और अपनी रोज़मर्रा लाइफ में देखें ना, जो जो हम खाते पीते हैं, कुछ पहनते हैं, सब कुछ क्या है, हाँ जी, सब कुछ नेमते हैं ना अल्लाह पाक की जी। सैफ क्या कह रहे हैं, श्याम बैठ जाए, हाँ जी पौधे बिल्कुल ऑक्सीजन पैदा करते हैं, सांस लेने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सारा कुछ किस में आता है, नेमतों में, अल्लाह पाक की बनाई हुई नेमतों के अंदर। और इसमें एक पॉइंट हमारा जो है वो भी मिसिंग है, वो है जी कलमा तैयबा और सूरह इखलास, जो कि बुनियाद है इस चीज़ की, किसकी, तौहीद की। तो अकीदा तौहीद बेटा उस वक्त तक कम्प्लीट नहीं होता जब तक आप कलमा नहीं पढ़ लेते। मुसलमान और नॉन मुस्लिम के दरमियान कौन सी चीज़ जो है वो फ़र्क करती है, कलमा पढ़ते हैं ना, सबसे पहले जो मुसलमान होता है उसको क्या करना, शर्त क्या है, कलमा पढ़ना। और कलमा तैयबा की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर है, इखलास पे। इखलास क्या चीज़ होती है बेटा, यही होती है ना कि आपने दिल से किसी चीज़ को तस्लीम कर लिया, दिल से उसका अदब एहतराम, उसका मान लेना जो है वो आपका अकीदा इखलास है वो आपका, और यही बुनियाद है किसकी, कलमा तैयबा की और अकीदा तौहीद की। शर्त इसके लिए, शर्त जो है वो इखलास है, यानी ये नहीं होना चाहिए। अब इसको हम दूसरी सेंस में यूं भी कह सकते हैं इखलास को, कि अगर आप सिर्फ ज़ुबान से कह रहे हैं लेकिन कि हाँ जी ऐसा ही है, आप ठीक कह रही हैं, अकीदा तौहीद है, लेकिन आपका दिल इस चीज़ की गवाही नहीं देता, तो इसका मतलब है कि इखलास नहीं है अकीदे की, आपकी बुनियाद में इखलास नहीं है। इट्स मीन्स जबकि इसकी शर्त ही यही है तौहीद की, अकीदा तौहीद की, कि इखलास इसकी बुनियादी पहली ज़रूरत है, पहली शर्त है इखलास का होना, आपका दिल से तस्लीम करना उस चीज़ को। ओके और कितनी खूबसूरत बेटा वो आयत है जो सबसे ऊपर लिखी गई है, बेशक अल्लाह पाक हर चीज़ पे कुदरत रखता है, रखते हैं ना, आपका यकीन है इस बात पे, आपका अकीदा पुख्ता है इस चीज़ के लिए, बस यही तौहीद है बेटा, यही अकीदा तौहीद है, यही हमारा आज का टॉपिक था, इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर। कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो, ओके बेटा, आज का आपका जो आईएएस का लेसन है ये यहीं पे ख़त्म होता है, इस दुआ के साथ ख़त्म कर रही हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन या रब्बुल आलमीन।